इनसाइट जो मंगल ग्रह पर ऑपरेशन के दौरान एक स्थिर लैंडर था। नवंबर 2018 में मंगल ग्रह पर एलिसियम प्लेटिनिया क्षेत्र में उतरा। इसने 4 साल तक अपने मिशन को बनाए रखा और लाल ग्रह पर ले जाए जाने वाले पहले सिस्मोमीटर से लैस होकर इसने 1319 मंगल भूकंपों का पता लगाया। स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी के भूभौतिकविद वसन राइट और मैथियास मोसफेल्ड तथा वर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के ग्रह विज्ञान के प्रोफेसर माइकल मंगा ने ग्रह पर पानी की खोज के लिए उस भूकंप मापी डेटा का उपयोग किया है। उन्होंने मंगल ग्रह पर दर्ज भूकंपों की अलग अलग गति को एक गणितीय मॉडल में जोड़ा है जो मंगल ग्रह की पपड़ी और मेंटल में विभिन्न प्रकार की चट्टानों की भौतिकी का वर्णन करता है। यह बिल्कुल वैसा ही मॉडल है जिसका उपयोग भूकंप विज्ञानी पृथ्वी पर जल वृतों और तेल क्षेत्रों की पहचान करने के लिए करते हैं। परिणाम चौंकाने वाले थे क्योंकि आंकड़ों से पता चला कि कई भूकंपीय तरंगे तरल पानी के संतृप्त चट्टानों से होकर गुजरी थी। एक समय था मंगल ग्रह की सतह पर महासागरों, झीलों और नदियों के साथ बहुत सारा तरल पानी था, लेकिन लगभग 3 अरब साल पहले पानी गायब हो गया। आज मंगल ग्रह पर धरती के रोवर सूख चुके झील के तल और खाली नदी चैनलों का पता लगाते हैं। हालांकि मंगल ग्रह का कुछ पानी ध्रुवीय टोपियों में बर्फ के रूप में और दुनिया के मध्य अक्षांशों में परमाफ्रॉस्ट के रूप में बंद है। यह माना जाता है कि मंगल का बाकी पानी अंतरिक्ष में चला गया होगा और कुछ पानी जमीन के अंदर रिस गया है, जहां यह ग्रह की टूटी हुई आग्नेय चट्टानों के भीतर छोटी छोटी दरारों और छिद्रों में जमा हो गया। सिस्मोमीटर डेटा से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर पानी 11.5 और 20 किलोमीटर की गहराई के बीच मौजूद है और 5 किलोमीटर की गहराई से ऊपर की सतह पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसलिए मंगल ग्रह पर तरल पानी के लिए अब तक सबसे अच्छा सबूत होने के बावजूद अंतरिक्ष यात्रियों के लिए वहां पहुंचना अव्यावहारिक है।